बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं क्राउन स्टार न्यूज़ HD और मैं हूं परा शाहिद। आइए नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। खबर शामिल करेंगे तहसील रिपोर्टर क्राउन स्टार न्यूज़ तलहा सियाल की रिपोर्ट के मुताबिक खैरपुर टामे वाली से आपको आगाह करें, जहां पे बीवी के महके रूट कर बैठ कर जाने पर ससुरालियों पर सरदार उर्फ बग्गा का अपने साथियों के हमरा हमला तशद्दुद करके जख्मी कर दिया, कार्रवाई की जाए। मोहम्मद इकबाल गुजर का कहना है, तहसीलात के मुताबिक मोहम्मद इकबाल गुजर ने मीडिया को बताया कि खैरपुर टामे वाली के नवाही इलाके गानमो वागी के रहायशी अब्दुल शकूर गुजर की बेटी कलीमा बीबी की शादी सरदार मोहम्मद गुजर के बेटे मोहम्मद ईशान से हुई थी, जिसका आपस में घरेलू झगड़ा हो गया और कलीमा बीबी को मार पीट कर इसके ससुराल वालों ने घर से निकाला, जो मैके रह रही थी, जिसका मुलजमान सरदार उर्फ बका कासिम उमर सादिक ताज सखावत अकवाम गुजर नवाही इलाका माड़ी जेठा अचरानी और को रंज हुआ, जो कि आज अपने दीगर 6-7 साथियों के हमरा 4 मोटरसाइकिलों पर सवार होकर 1 जीप पर सवार होकर इस वक्त अब्दुल शकूर वालिद कलीमा बीबी और मोहम्मद इकबाल बहनोई कलीमा बीबी पर हमला आवर, जब वो खैरपुर गानमोक वाकी अपने घर की तरफ मोटरसाइकिल पर जा रहे थे। मुलजमान इन पर सोटों और डंडों से हमला करके इनको शदीद जख्मी कर दिया और अहले इलाका ने दरमियान में आकर इनकी जान बचाई। जख्मी मोहम्मद इकबाल गुजर का कहना था कि मुलजमान ने रिश्तेदारी के तनाज़े की बनाकर अपना झगड़ा करके इन्हें नाहक मारा पीटा है और जख्मी किया है। जख्मी अब्दुल शकूर गुजर मोहम्मद इकबाल गुजर ने मीडिया के तवस्सुल से IG पंजाब RPO DPO भावलपुर से अपील की है कि इनके तशद्दुद करने वाले मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने और पुलिस थाना खैरपुर टामे वाली को मुलजमान को गिरफ्तार करने का हुक्म देकर हमें इंसाफ दिलाया जाए। कुछ 2 माह पहले उन्होंने आपकी बच्ची की शादी की थी, उनके उसकी हमशीरा थी, हमशीरा को बच्ची दी थी। किसकी हमशीरा थी? यानी कि मेरे मामू की हमशीरा थी। अच्छा, उसकी मेरे मामू की हमशीरा थी और उसके और हमशीरा ने आपके बेटे वास्ते बच्ची ली थी।